अस्सलाम वालेकुम। स्टेट लेवल ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम बच्चों का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। हमारे जो ऑनरेबल हैं मिस्टर महेश पालकर सर, और हमारे बीओ हैं मिस्टर इकबाल शेख, और जो हमारे सीएनओज है वो अंसारी अशरफ अली एंड तौफिक मुल्ला सर। मैं अल कौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल से फैज़ान अहमद मोहम्मद हसन शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दिखाई दे रहा हूँ मैं, कम शो करो, दिख रहा हूँ। खतीजा खतीजा अब्दुल, उठ जाओ बेटा, उठ के बैठो, गेट अप, आफरीन, उठ जाओ। मुझे सब बच्चे माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, सब उठ के बैठ जाओ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपने पिछले टाइम भी कर चुके हैं, तो ठीक उसी तरह से एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी पढ़ाई के ताल्लुक से ही है। तो आप सब रेडी है? रेडी है तो थम शो करो कि हाँ सर हम रेडी है। हाँ, सादिका रेडी है, सना रेडी है, फहीम रेडी नहीं है? फहीम, फहीम रेडी हो क्या? हाँ, वेरी गुड, फहीम भी रेडी हो गया, वेरी गुड। इस्माइल, मदनी, अरिबा, शाबाश शाबाश। अहमद जहीर भी आज उठ के बैठा है, वेरी गुड। चलो, तो ये एक्टिविटी ऐसी है बेटा कि जब मैं आपसे टॉल कहूंगा, टॉल टॉल मतलब ऊंचा है ना, तो आपको कैसे करना है, इस तरह से आपका हैंड्स अप करना है, ठीक है? और जब मैं आपसे कहूंगा शॉर्ट, तो आपको इस तरह से करना है, सामने सामने ऐसे, टॉल में ऐसे, शॉर्ट में ऐसे। नासियाज, इधर देखो बेटा, टॉल में ऐसे, शॉर्ट में ऐसे, ठीक है? रेडी है आप सब ना? समझ गया ना सबको? मरियम समझा? जवेरिया, मरियम, ठीक है? तो टॉल में इस तरह से करना है और शॉर्ट में इस तरह से करना है। चलो, तो मैं बोलना शुरू करूं बेटा, स्टार्ट करूं? चलो मैं बोल रहा हूं। हाँ, टॉल, वेरी गुड। निदा फातिमा, आपने, मैंने टॉल कहा। शिफा, टॉल कहा मैंने, टॉल, टॉल, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, शॉर्ट। जुफेजा, मैंने शॉर्ट कहा, आपने हाथ ऊपर कर दिए, वेरी गुड। शॉर्ट, शॉर्ट, शाजिया, शॉर्ट कहा मैंने, टॉल, 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 आलिया, टॉल, जुनैद, मैंने टॉल कहा बेटा, आप शॉर्ट की तरह एक्शन कर रहे हो, शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो अब हम जो पहले हमने जो पढ़े थे उसका हम छोटा सा इरादा कर लें, ठीक है? देख लेते हैं कि हम पहले क्या पढ़े, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो हमने पहले क्या पढ़े थे उसका हम थोड़ा सा इरादा करेंगे, तो आप ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ठीक है? याद आया कुछ? स्विमिंग पूल, देखते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़े टॉल एंड शॉर्ट के बारे में। टॉल एंड शॉर्ट में सबसे पहले हमने देखे थे स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल जो आपको नजर आएगा अभी। स्विमिंग पूल में हमने, ये बच्चे स्विमिंग पूल में जाना चाहते थे, तो हमने ये दोनों बच्चों का मुआयना करे थे, दो दो बच्चे को लेके। तो ये जो रूलर पट्टी थी,
इसकी मदद से हम बच्चों को तकसीम कर रहे थे कि जो बच्चा ऊंचा है उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम टॉल कहेंगे, और जो बच्चा शॉर्ट है उन्हें बौना कहेंगे, कम ऊंचा कहेंगे। फिर इस तरह से वो बच्चे स्विमिंग पूल में चले गए थे। फिर उसके बाद हमने क्या करें कि दो दो चीजों का मुआवजना करें। ये देखो ये बिल्डिंग आ गई, इसका मुआवजना करें कि टॉल कौन सी है और शॉर्ट कौन सी है। फिर उसके बाद दरख्त को देखें टॉल शॉर्ट। फिर उसके बाद ये स्लाइड, गार्डन में हम जब जाते हैं तो स्लाइड में ये स्लाइड टॉल है ऊंची है और ये दूसरी जो रेड वाली है वो बौनी है। फिर उसके बाद हमने देखे ये ब्रिज, ये बैरियर, बैरियर लगा हुआ था इसके नीचे से जो गाड़ी गुजर गई वो बैरियर से शॉर्ट, और जो गाड़ी बैरियर से ऊंची थी वो रुक गई तो ये टॉल थी। इसी तरह से हमने वापस फिर दूसरी गाड़ी को चला के देखे तो ये शॉर्ट कहलाई, और जो उसके बाद जो दूसरी ट्रक आई वो बैरियर से ऊंची थी तो हम उसे टॉल कह दी। फिर हमने लिविंग रूम के अंदर जो मौजूद चीजें थी उसका टॉल और शॉर्ट का मुआवजना किया था। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे। देखो बेटा, अभी जो लास्ट वीडियो आपने देखे, पिछली बार जो हमने पढ़े थे, उसके अंदर हम सिर्फ दो दो चीजों का मुआवजना किए थे। सिर्फ दो दो चीज थी उसका हम मुआवजना कर रहे थे। उसमें हम पहचान रहे थे कि टॉल ऊंचा कौन सा है और बौना कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ, क्या सिर्फ दो ही चीजें नजर आती है क्या हमें? ऐसा है क्या? हाथ सर हिला के आप बोल सकते हैं, ऐसा है क्या सिर्फ हम दो चीजों का मुआवजना करते हैं हमेशा? हाँ या ना, सर हिला के बोलिए। नहीं, दो से ज्यादा चीजें भी होती है। हमेशा दो ही चीज नहीं होती हमारी जिंदगी में कि हम ये दोनों का मुआवजना करते रहे, दो से ज्यादा चीजें भी होती है। वेरी गुड जाहिद, आप चैट बॉक्स में भी लिख रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैं सबको देख भी रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और सर हिला के भी जवाब दे सकते हैं, मुझे सब बच्चे नजर आ रहे हैं। तो अब दो या दो से ज्यादा चीजें रहेगी तो हम उसके किस तरह से उसका मुआवजना करेंगे? हम उसे इस तरह से बोल सकते हैं, ये सबसे टॉल है और ये सबसे शॉर्ट है, या उसे हम टॉलेस्ट कह सकते हैं और शॉर्टेस्ट कह सकते हैं। कैसे? जब दो से ज्यादा चीजें होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा मजमून है आज का, उन्वान जो है वो है टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। क्या है हमारा उन्वान आज का? उन्वान है आज हमारा टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, सबसे ऊंचा और सबसे बौना, या सबसे कम ऊंचा। ठीक है, अब हम कुछ तस्वीर, कुछ पिक्चर्स की मदद से हम सीखेंगे कि टॉलेस्ट चीजें क्या हो सकती है और शॉर्टेस्ट चीजें क्या हो सकती है। दो से ज्यादा चीज, हाँ, इसमें सिर्फ दो चीज नहीं आएगी बेटा, लास्ट टाइम हम दो दो चीज देखे थे ना, नहीं, अब दो से ज्यादा चीज आएगी। ठीक है, तो चलिए आप सब रेडी हो जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। वाओ, क्या ये कॉम्पिटिशन जीतने के बाद हमें जब मेडल मिलता है ना? आप लोग कभी मुकाबले में हिस्सा लिए हो, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए हो, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लिए हो कि नहीं? लिए हो तो सर हिला के बोलो बेटा, मुझे सब बच्चे नजर आ रहे हैं, आप सर हिला के बोल सकते हो। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, दिख रहे हैं मुझे बच्चे, कासिम, आफरीन, सलमानी, उठ के बैठ जाओ बेटा। तो अब ये बच्चे कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए है ना, तो इनकी पोजिशन देखो बेटा, फर्स्ट सेकेंड आए वो छोड़ दो, उनकी जो पोजीशन देखो, वो जगह, जिस जगह पे वो खड़े हैं, जिस पोजीशन पे वो खड़े, उसमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर है ना, तो वो जगह देखिए आप, पोजीशन देखिए, कुछ तो भी डिफरेंट है कि नहीं? ऊंचा कम ऊंचा आपको लग रहा है वहां पर? लग रहा है तो सब सर हिला के बोलो। हाँ लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है क्या? सर हिला के बोलो कि तीनों एक जैसी पोजीशन पे खड़े हैं? नहीं ना, अलग अलग पोजीशन पे खड़े हैं। तो जो एक नंबर की पोजीशन है वो कैसी है? उससे हम बोलेंगे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा। क्या कहेंगे? सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट कहेंगे। और फिर उसके बाद जो दो नंबर की पोजीशन है वो उससे कम ऊंची है, एक नंबर से वो थोड़ी कम ऊंची है। और जो तीन नंबर की पोजीशन है वो कैसी है बेटा? कैसी है?
सबसे कम ऊंची है, मतलब शॉर्टेस्ट है। देखो एक नंबर के नीचे क्या लिख लिया मैंने, टॉलेस्ट, वो सबसे ऊंचा है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है सबसे शॉर्टेस्ट, हाथ के इशारे से बता दो, 3 नंबर है ना। हाँ 3 नंबर है, वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं, और आप भी इसी तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेना और आप भी जीतना, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अरे ये क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, ये नौमान आग बोल रहा है मुझे, उसका इशारा लिपसिंग मैंने पढ़ लिया, आग कहा वो बच्चे ने, वेरी गुड नौमान, ये आग है, फायर है ना, इसे हम किससे जलाते हैं बताओ बताओ, हाथ का इशारा करके बताओ, आग है, वेरी गुड निदा, वेरी गुड परवीन अंसारी, इसे हम जलाते किससे, सबके घर में होती है वो चीज, हाँ अहमद जहीर ने बता दिया, मैच बॉक्स, हाथ के इशारे से बता रहे, माशाल्लाह तला ने भी जवाब दिया, हाथ के इशारे भी मुझे समझ में आ रहे हैं आपके, मैच बॉक्स, माचिस से जलाते हैं ना हम इसे, ठीक है। अब माचिस की जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है वो देखेंगे, माचिस की जो फ्लेम होती है ऐसी होती है ना, उसकी शुआ देखिए, उसकी फ्लेम देखिए, थोड़ी कम है ना। अब इसके बाद दूसरी एक और चीज देख लेते हैं, ये क्या है, कैंडल है ना, कैंडल देखे। अब आप देखिए जो माचिस है उसकी फ्लेम और कैंडल की फ्लेम दोनों में फर्क है ना, ऊंची और नीची में, माचिस की फ्लेम थोड़ी कम ऊंची है और कैंडल की फ्लेम कैसी है, थोड़ी ज्यादा ऊंची है। चलो ये तो दो चीजों का मुआवजा हुआ, अब चलो हम एक और चीज देख लेते हैं, अरे ये क्या है, इसकी फ्लेम, इसकी ऊंचाई देखो कितनी ऊंची है ना। तो बेटा सबसे बताइए इसमें सबसे जो टॉलेस्ट है, सबसे जो ऊंची फ्लेम है वो किसकी है, ये इसकी, चूल्हा जो जैसे जल रहा है ना, ये टॉलेस्ट 1 नंबर वाली की है ना, लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहा है उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो ऊंचाई है सबसे ऊंचा वो है, और उससे कम ऊंचे किसकी है, कैंडल की, और आखिर में जो हमने माचिस की देखे हैं वो शॉर्टेस्ट है, वो सबसे कम ऊंचा है उसकी फ्लेम, ठीक है। अब हम एक और तस्वीर की मदद से समझते हैं, वाओ क्या ये पहाड़, माउंटेन, कभी गए हो यहाँ पर पहाड़ों पे, कभी गए हो, सर के इशारे से बोलो हाँ या ना, गए हो, मोहम्मद तला गया है, वेरी गुड, कोई गया है कोई नहीं गया है, हाँ वेरी अच्छी बात है, नहीं गए तो क्या हुआ, और गए तो बहुत अच्छी बात है, पहाड़ पे ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और ऊपर से नीचे का नजारा, मंजर देखने का मजा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर 3 पहाड़ नजर आ रहे हैं है ना, कुछ बड़े कुछ छोटे, तीनों एक जैसे नजर आ रहे क्या, सर हिला के बोलो, तीनों एक जैसे नजर आ रहे क्या, हाँ वेरी गुड जवेरिया, नहीं सर तीनों एक जैसे नजर नहीं आ रहे। तो इसमें जो सबसे टॉलेस्ट है, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो आपके लेफ्ट साइड में है, टॉलेस्ट पहाड़ है ना, सबसे ऊंचा है, अबू सुफियान ने भी कहा 1 नंबर, वेरी गुड, सबसे ऊंचा। और जो सबसे शॉर्टेस्ट पहाड़ है, जो सबसे कम ऊंचा है वो है ये सबसे लास्ट वाला, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अरे वाह ये क्या है, जंपिंग करने वाला है ना, जंप करे आपने कभी, मॉल वगैरह में होते हैं, इसके अलावा हमारे हम गार्डन वगैरह के पास जाते हैं तो वहां पे भी ये नजर आता है, इस पे जंप करते हैं ना, उछल उछल के, करे आप लोग ने जंप, हाँ या ना, सर के इशारे से बोली हाँ या ना, मुझे तो लगता है ज्यादातर बच्चे ने करे होंगे, करे हो जंप, हम लोग आपस में शर्त लगाते हैं ना, देख मैं कितना ऊंचा उड़ता हूँ, तू कितना, देख तू कहाँ तक उड़ता है, हम लोग शर्त लगाते हैं ना, देखते हैं ना मजा आती ना। तो बेटा यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ होने वाला है, आपको सबसे टॉलेस्ट जो है, सबसे ऊंचाई पर यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, टेडी बेयर दिख रहा है, टेडी बेयर है ना, टेडी बेयर है कि नहीं, सबसे ऊंचा,
सबसे ऊपर वाली रोप पे देखो, सबसे ऊपर वाली रस्सी पे, टॉप रोप पे, उस पे क्या है? टेडी बेयर। और उससे जो कम ऊंचा है उसमें क्या लगा हुए हैं? चॉकलेट। और सबसे नीचे वाली, सबसे कम ऊंचाई पे, शॉर्टेस्ट पे क्या लगे हुए हैं? बॉल। ठीक है, तो अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा जंप करने वाला है। क्या करने वाला है? जंप करने वाला है। और ये जंप करके या सबसे टॉलेस्ट जंप लगाएगा वो, या सबसे शॉर्टेस्ट जंप लगाएगा, या फिर चॉकलेट लेके आएगा, तीनों में से एक लेके आएगा। तो आप लोग देखना चाहेंगे कि ये बच्चा क्या लेके आता है? सर के इशारे से बोलिए, हिला के सर, कि हाँ सर देखना चाहते, सर हिला के बोलो, देखना चाहते हो? हाँ ठीक है, चलो अब आप लोग इतना बोल रहे हो, स्माइल भी सर हिला रहा है, तो मैं बता देता हूँ। वेरी गुड, चलो ये बच्चा उड़ता है, अभी देखो। टॉइंग, ओ तो इसने कौन सी जंप लगाया बेटा? कौन सी जंप लगाया? हाथ के इशारे से बताओ, एकदम लंबी वाली ना, ऊंची वाली, टॉलेस्ट। कैसी? हाँ जाहिद, वेरी गुड बेटा, टॉलेस्ट। कैसी जंप लगाया? सबसे ऊंचा। अब सबसे ऊंचा जंप लगाया तो उसको क्या मिला बेटा? टेडी बेयर। वेरी गुड परवीन, आलिया, शाबाश। ये टॉलेस्ट जंप लगाया तो इसे क्या मिल रहा है? टेडी बेयर। तो ये बच्चा टॉलेस्ट में आ गया। अब चलो हम दूसरे बच्चे को लेके आते हैं, वो कैसी जंप लगाता है देखते हैं। ये आ गया ना, अब ये देखेंगे ये कौन सी जंप लगाता है। आर यू रेडी? सब रेडी है? रेडी है ना, थम शो कर दो कि हाँ सर रेडी हम, थम शो करो। हाँ जीनत रेडी है, शाबाश। इस्माइल, सहला, चलो अब ये जंप लगाएगा। ओ ये कैसी जंप लगाया? कैसी जंप लगाया है? शॉर्टेस्ट। क्यों शॉर्टेस्ट? क्योंकि सबसे नीचे वाली जो जो रोप थी उसके अंदर हमने क्या लगाए थे? बॉल। तो बच्चे को क्या मिला? बॉल मिला। क्या मिला? बॉल। तो ये सबसे कम ऊंचा जंप किया ये बच्चे ने, तो ये शॉर्टेस्ट माना जाएगा। अब इसके बाद कोई तीसरा बच्चा आने वाला है, आ गया। अब हम ये इसे देखते हैं ये कहाँ तक जंप करता है। ठीक है, चलो। ओ इसे क्या मिला? इसे भी बॉल मिला। तो इस बच्चे ने कैसी जंप लगाया? हाथ के इशारे से बता दो। टॉलेस्ट में हाथ ऊपर करते सर ने बताया, और शॉर्टेस्ट में हाथ नीचे। हाँ वेरी गुड फातिमा, FA। हाँ तो इस बच्चे को क्या मिल रहा है? बॉल। वेरी गुड परवीन, अबू सुफियान, शॉर्टेस्ट, शाबाश। बॉल मिला और इसने कैसी जंप लगाया? शॉर्टेस्ट, सबसे कम ऊंचा। अब इसके बाद वाले बच्चे को देखते हैं। ओ देखते हैं ये बच्चा कैसी जंप करता है। ठीक है, रेडी? ओ इसने कैसी जंप लगाया? वेरी गुड स्माइल, टॉलेस्ट, जाहिद, शाबाश। हाथ के इशारे से बता रहे कि अफसर समझ रहे हैं वो, टॉलेस्ट। ये बच्चे ने टॉलेस्ट जंप लगाया, इसलिए उसे क्या मिल रहा है? क्या मिला इसे? टेडी बेयर। वेरी गुड अबू सुफियान, सबा, तुबा। ये कैसी जंप लगाया? टॉलेस्ट। तो ये बच्चा जाएगा टॉलेस्ट में। अब देखते हैं कोई दूसरा बच्चा आता है क्या। ये बच्ची आई है ना, चलो अब इसे देखते हैं ये क्या जंप, कैसी जंप लगाती है। ये लगाई जंप। ओ इसे क्या मिला? इसे मिला चॉकलेट। तो ना ये बेटा टॉलेस्ट थी, ना शॉर्टेस्ट थी, ये बच्ची ने दरमियान में लगाई। ये टॉलेस्ट नहीं, टॉलेस्ट से कम ऊंची जंप लगाई ये बच्ची ने, है ना? ठीक है, अब बेटा ये यहां पर आ जाएगी। अब इसके बाद आगे की जो तस्वीर आएंगी उसकी मदद से आप मुझे बताओगे कि सर इसमें सबसे टॉलेस्ट ये है और सबसे शॉर्टेस्ट ये है। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो आप बताओगे। रेडी? सब रेडी है बताने के लिए? हाँ चलो मैं बताऊँ आगे क्या तस्वीर आ रही है। अरे ये क्या है, ये तो फैमिली आ गई है ना, मम्मी डैडी बेबी तीनों चीज आ गए इसके अंदर। ये क्या है? जिराफ। क्या है? जिराफ। अब हम आप बताइए इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन सा है बेटा? सबसे टॉलेस्ट आपके राइट साइड वाला है या लेफ्ट साइड वाला है? हाँ इस्माइल ने हाथ के इशारे से बताया, समझ में आया मुझे। हाँ लेफ्ट साइड, वेरी गुड। मोहम्मद मोइन ने भी बताया,
सब बताओ बेटा हाथ के इशारे से, मुझे सब दिखते हैं माशाल्लाह। आप हाथ के इशारे से बताएंगे ना? हाँ, लेफ्ट साइड वाला, आपके जो लेफ्ट साइड में है वो कैसा है? सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट है साहिबा, वेरी गुड। और जो सबसे शॉर्टेस्ट है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। अब हम सबसे शॉर्टेस्ट देखेंगे, सबसे कम ऊंचा कौन सा है? मिडल वाला, बीच में जो है वो कैसा है? शॉर्टेस्ट है, बौना है, सबसे कम ऊंचा है। अब इसके आगे देखते हैं, ये क्या है? केक, सुबह सुबह केक। तो अब केक आप तो खाते होंगे अच्छे से, आपको सब मालूम है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा है इसमें से? टॉलेस्ट बताओ, बताओ सना, सना बताओ, शिफा बताओ, मरियम बताओ, आपके जो राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ, वेरी गुड अहमद जहीद। हाँ, क्या इशारा अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग, शाबाश। राइट साइड में जो है वो कैसा है? सबसे ऊंचा है, टॉलेस्ट है ना? और सबसे कम ऊंचा, शॉर्टेस्ट कौन सा है? जिक्रा, वेरी गुड, बोलिए बोलिए। शॉर्टेस्ट, सबसे कम ऊंचा केक, दरमियान वाला, मिडल वाला है ना, ये कैसा है? सबसे कम ऊंचा, शॉर्टेस्ट। अब इसके आगे देखते हैं, ये आ गया हमारा एक रूम, उसके अंदर तीन कबर्ड है, एक में कपड़े हैं, दूसरे में शोकेस है, और तीसरे में रैक है ना? तो अब आप लोग बताइए मुझे, इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? हाथों के इशारे से बताओ, उम्मे कुलसुम बताओ, वेरी गुड। राइट साइड वाला है ना, सीधे हाथ की तरफ जो है वो, जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं अलमारी में, वो कैसा है? टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है। अच्छा, वेरी गुड। अब बताओ मुझे शॉर्टेस्ट, सबसे कम ऊंचा कौन सा है? बताओ नासिया, बताओ सबसे कम ऊंचा। शिफा, हाँ, आपके जो लेफ्ट साइड में जो है वो सबसे ऊंचा है। सना बानो, वेरी गुड बेटा, सबसे कम ऊंचाई है ना? तो माशाल्लाह, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, समझ गया ना, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट है ना? समझ गया तो थम्स अप शो कर दो कि हाँ सर समझ गया। आयान को समझा, सना बानो, हाँ समझ गया माशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी इसकी मश्क कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें ये आपके ये दर्सी किताब का सफा है, पेज नंबर 68। इसमें सबसे ऊंचा, सबसे बौना, तो ऊपर आपको डॉग नजर आ रहे हैं ना, कुत्ता, सबसे ऊंचे कुत्ते के नीचे के बॉक्स में आपको रंग भरना है। कलर द बॉक्स बिलो द टॉलेस्ट डॉग। तो बताइए, तीनों में जो डॉग नजर आ रहे हैं, ये तीनों डॉग में से सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा डॉग कौन सा है? फिर से हाथ का इशारा कीजिए, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? लेफ्ट साइड वाला, वेरी गुड। उल्टे हाथ की तरफ जो है ना वो कैसा है? सबसे टॉलेस्ट है वो तीनों में। तो हमें उसमें क्या करना है, रंग भरना है। ये हमने रंग भर दिए, येलो कलर मैंने भर दिया, दिख रहा है ना? ठीक है, अब उसके नीचे आ गए हमारे दरख्त, ट्री। तो सबसे छोटे बौने दरख्त के नीचे आपको क्या भरना है? रंग भरना है, सबसे बौने दरख्त के नीचे। तो सबसे बौना दरख्त कौन सा है? बौना दरख्त कौन सा है? हाँ बताओ बताओ, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला? राइट साइड वाला सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बौना है, तो ये हम उसमें कलर भरेंगे। अब उसके आगे देखते हैं, उसके नीचे क्या है? सबसे कम ऊंचे खंभे के नीचे के बॉक्स में रंग भरना है।
तो आप लोग बताइए कौन सा है सबसे कम ऊंचा, कौन सा है, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला, हाथ के इशारे से बताओ। सबसे कम ऊंचा लेफ्ट साइड वाला है ना, तो इसमें हम भर दिए रंग। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छे समझ में आया, तो अब हम ले लेंगे घर काम। वेरी गुड, चैट बॉक्स में भी अच्छे से आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोग घर काम लेते हैं। घर काम में आप लोगों को कुछ तलाश करना है, नाम तलाश करना है, फाइंड द नेम। क्या है सबसे बड़ा जानवर, टॉलेस्ट एनिमल, ये कौन सा है ये आपको बताना है। और दूसरा है सबसे छोटा जानवर, शॉर्टेस्ट एनिमल। ठीक है, तो ये आपका घर काम है, ये आप लोगों को ढूंढना रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, गूगल फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। गूगल फॉर्म लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, पहले हम गूगल फॉर्म देख लेते हैं। गूगल फॉर्म नजर आ रहा है ना सबको? थम शो कर दो क्या? हाँ सर, दिखाई दे रहे। हाँ, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, मैथमेटिक्स टेस्ट, क्लास फर्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, सबसे ऊंचा और सबसे बौना। अब सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, जो आपका नाम है वो आपको लिखना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, स्कूल नेम, स्कूल नेम आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो उसे आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब यहां से सवालात का सिलसिला शुरू हो रहा है। विच वन इज टॉलेस्ट बिटवीन ए बी एंड सी, दर्जेल में से कौन सी चीज सबसे ऊंची है। यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है ना, तो सबसे जो ऊंची रहेगी उस पे आपको सेलेक्ट करना है, टिक करना है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। सॉरी, विच बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट वन, ये तीनों बिल्डिंग में सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग कौन सी है, ये आपको क्या करना है, बताना है, सेलेक्ट करना है। तीन ऑप्शन नीचे दिए हुए। विच प्लांट इज द शॉर्टेस्ट इन द फॉलोइंग, तीनों में से सबसे बौना कौन सा पौधा है वो आपको, वन टू थ्री में से कौन सा है वो आपको नीचे सेलेक्ट करना रहेगा। अब ट्रू और फॉल्स, द बॉय इन रेड टी शर्ट इज द टॉलेस्ट वन, लाल कमीज में जो बच्चा है वो सबसे ऊंचा है, तो सही है या गलत, नीचे आपको दिया है उसमें से आप लोगों को कर लेना। उसके बाद एक और है, सही या गलत, पीली साइकिल सबसे छोटी साइकिल है, तो सही है या गलत ये या आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का गूगल फॉर्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को लिंक चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, उस पे जाके आप लोग फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था आज का, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह अगले लेसन में, तब तक के अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।